हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम नंबर सिस्टम के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये दो सवाल हैं, पहले आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए और पहले खुद कोशिश कीजिए। पहला सवाल है, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2^2000 × 5^2004। और दूसरा सवाल है, एन स्क्वेयर रूट ऑफ 25^64 × 64^25 एंड फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन। एक नजर में तो ये ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज्यादा भी नहीं लगाना। देखिए, आप पहले आप खुद करना, फिर आप वीडियो को दोबारा पॉज करके देखना, फिर आप इसको देखना कि क्या सॉल्यूशन है, क्या ट्रिक है। पहला सवाल, 2^2000 × 5^2004। तो क्या मैं इसको मैं यूं लिख सकता हूं, 2^2000 × 5^2004। यस और नो? क्योंकि हमें एक सर्च का रूल पता है, a^n × a^n क्या होता है, a^n+n। यही रूल होता है ना, सबको पता है ये बात। तो एक तरह से मैंने a^n+n मतलब 2000 + 4 को अलग अलग करके लिख दिया, 2000 और 4। अब देखिए, अब इन दोनों को क्या मैं कंबाइन कर सकता हूं? यस, एक और रूल होता है सर्च का, a × b^2 जो n होता है ना, तो n जो है ना वो a पे भी आ जाता है और b पे भी आ जाता है। तो अब ये दो रूल हम यूज करके इस सवाल को बहुत ही ज्यादा आसान बना देंगे। यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, 5 × 2 = 10^2000 × 5^4। ठीक है दोस्तों। अब 10^2000 का क्या मतलब है, 10^1 का मतलब 10, 10^2 का मतलब 100, 10^3 का मतलब 1000, 10^4 का मतलब 10,000, 10^5 का मतलब 1,05,000। अब इसका मतलब 10^2000 का मतलब क्या है, 1 के बाद 2000 जीरो, और 5^4 का क्या मतलब है, 625, मतलब 625 के आगे कितनी जीरो, 2000 जीरो, 2000 जीरो। अब इसके डिजिट्स का सम भी करना है, तो 6, 2, 8, 5, 13 और आगे 2000 जीरो ऐड करनी है, तो ये आ जाएगा हमारा 13। तो ये पहले सवाल का आंसर हो गया। अब इसी बेस पे आप दूसरा सवाल करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं आपको करवा देता हूं। पहले आप खुद कोशिश करना है एक बार। 25^64, इसको मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को 5 और 2 की टर्म्स में लिख लेता हूं। तो अगर मैं 25 को 5 का स्क्वायर लिखूंगा और उसकी पावर भी 64 है, इनटू 64 को क्या लिख सकता हूं, 2^6, वेरी गुड, और उसकी पावर क्या है, 25। तो ये हो गया 2 × 64, क्योंकि आपको एक रूल और भी पता है, a^n^n क्या होता है, a^mn। तो ये हो जाएगा 5^128 इनटू 2^150। अब ध्यान से देखना मैं क्या करता हूं, मैं ये कर रहा हूं 5^128 × 2^128। मैंने 2^150 को ब्रेक कर लिया 2^128 × 2^22। तो ये हो गया 5 × 10 × 2 = 10^128 × 2^22। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपने, अगर मैं स्क्वेयर रूट कर रहा हूं तो स्क्वेयर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब 1/2 128 से मल्टीप्लाई होगा तो ये रह जाएगा आपके पास 10^64, और 2^22 से भी स्क्वेयर रूट है तो स्क्वेयर रूट में एक तरह से पावर को आधा कर देगा आपकी, तो ये रह जाएगा 2^11। अब 10^64 का मतलब जैसे पिछले सवाल में बताया था, 10^2000 = 2000, और यहां पे 10^64 = 64। अब 2^11 तो बसाने में ज्यादा मुश्किल नहीं है, 2^10 बच्चों को 1024 याद होता है, तो 2^11 क्या होगा, 2048 नहीं याद है, करते हैं 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 16, 32 × 2 = 32, 64 × 2 = 128, 256 × 2 = 2048, मतलब 2^11 = 2048, और उसके आगे कितनी जीरो, 64 जीरो। अब सम ऑफ डिजिट्स पूछा हुआ है, 8, 4, 12 और 2, 14, 14। इस सवाल का आंसर है 14।
इस सवाल का आंसर क्या था? 13। तो ये मिलते जुलते सवाल बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ है, खासकर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एनआईसीएल, इन तीन जगह पे तो बहुत बार आया हुआ है। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल का नाम है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड। अब हितेश सर ने भी अपने ऑसम इंग्लिश लेक्चर्स के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है, तो हमारे चैनल का नाम है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड। तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स इसमें डालिए, ठीक है। और हमारे फेसबुक पेज भी है, हितेश सर का फेसबुक पेज है इंग्लिश बाय हितेश बजाज और मेरा फेसबुक पेज है मैथ्स बाय कमल बजाज। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।